हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असलम अहमद और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अल्फाबेटिकल लेटर जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक सर्किल ड्रा कर लीजिए, उसके बाद शिफ्ट पकड़कर अंदर की तरफ ड्रैग कीजिए और दूसरा सर्किल के लिए डुप्लीकेट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा लेफ्ट की तरफ उसे मूव करके दोनों को सेलेक्ट करके फिर ट्रिम कर दीजिए। फिर पेन टूल से आप ड्रा कर लीजिए। उसके बाद शेप टूल लेकर बीच में टिक कीजिए और कन्वर्ट टू कर्व कर दीजिए। उसके बाद उसके जो हैंडल से उसको इस तरह से सेट कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ, और दूसरे लाइन को भी कन्वर्ट टू कर्व कर दीजिए। और इस तरह से आप उसका शेप चेंज करना है जिसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए और इससे इस तरह से सेट कीजिए, और नीचे वाले लाइन को भी डबल क्लिक कीजिए शेप टूल लेकर। उसके बाद थोड़ा सा उसे ऊपर की तरफ हटा लीजिए। और दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ट्रिम कर दीजिए ताकि उसके पीछे वाला जो पार्ट है वो ट्रिम हो जाए। थोड़ा सा और कर लेते हैं। फिर से दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए फिर ट्रिम कर दीजिए। फिर से एक सर्किल ड्रा कर लीजिए। और पीछे की तरफ थोड़ा सा उसे खींचिए ताकि वो क्लोज हो जाए। और ऊपर भी जो है इसे भी कॉर्नर से सेट कीजिए। उसके बाद स्मार्ट फिल टूल लेकर दोनों में क्लिक कर दीजिए और इस सर्किल को हटाकर डिलीट कर दीजिए। इसके बाद इसमें ग्रेडियंट फिल करते हैं। इंटरैक्टिव फिल टूल लेकर ग्रेडिएशन अप्लाई कीजिए। और इसका ग्रेडिएशन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और इस ऑब्जेक्ट के लिए दोनों साइड ब्लैक रख के बीच में मैं ब्लू को यूज़ करता हूँ। इसे भी ग्रेडेशन अप्लाई कर देता हूँ। एक डुप्लीकेट ले लीजिए और उसका आउटलाइन रखकर फील रिमूव कर दीजिए इस तरह से।
बाद उसे सेंटर से सेट कर लीजिए। फिर स्मार्ट फील्ड टूल लेकर सेट क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी टूल से इस पर अप्लाई कीजिए, इस तरह से सेट कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। नीचे वाला ऑब्जेक्ट को भी इसी तरह से सेंटर से सेट कर लीजिए। इसे इस तरह से रखकर स्मार्ट फील्ड टूल से क्लिक कीजिए। उसके बाद इसे भी, इसका कलर भी वाइट कर देंगे। फिर ट्रांसपेरेंसी टूल लेकर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। और इसे भी उसका आउटलाइन रखकर फील को रिमूव करते हैं। स्मार्ट फील्ड टूल से क्लिक कर देते हैं और इसमें भी ग्रेडेशन अप्लाई करते हैं। उसके लिए इंटरैक्टिव फील्ड टूल लेकर कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से। इसे मैं और एक डुप्लीकेट ले लिया हूँ और उसे भी फील रिमूव करके आउटलाइन रखता हूँ। बाद इसका कलर वाइट कर देता हूँ। फिर ट्रांसपेरेंसी टूल लेकर इस पर अप्लाई करता हूँ। उसका ग्रेडेशन ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए मैं फिर से इसे सेलेक्ट करके इंटरैक्टिव फिल टूल लेकर कॉपी करता हूँ ग्रेडियंट इसका यहाँ से, और इसे रिवर्स कर देता हूँ ताकि दोनों में वेरिएशन दिख सके। पहले से थोड़ा सा बेटर लग रहा है तो इसे मैं रखता हूँ। इसका इसे सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और उसके बाद उसका आउटलाइन पूरा रिमूव कर दीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। एक सर्कल ड्रा कर लीजिए, उसके बाद उसका जो आउटलाइन है उसका 12 पॉइंट देता हूँ ताकि वो थिक हो जाए। उसके बाद शिफ्ट पकड़ के अंदर से और एक डुप्लीकेट बना लीजिए इसका। और उसे हेयर लाइन रखते हैं आउटलाइन। उसके बाद सो ग्रेडिएशन अप्लाई करता हूँ मैं इंटरैक्टिव फिल टूल से।
उसके बाद टेक्स्ट टूल लेकर जी टाइप कर लीजिए और उसका फॉन्ट है मेड गुड टाइम्स। आप कौन सा भी फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। इसके बाद इसका कलर भी मैं चेंज करता हूँ, वाइट रखता हूँ। उसके बाद उसे पीछे की तरफ थोड़ा सा हटाकर इस तरह से सेट कर लीजिए, या इसे हम रोटेट भी कर सकते हैं। एक छोटा सा सिंपल लोगो टेम्पलेट बनाने के लिए आपको बताया जी। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर इसे एक सर्कल ड्रा कर लीजिए, उसके बाद शिफ्ट पकड़कर अंदर की तरफ ड्रैग करते हुए डुप्लीकेट कर लीजिए। दोनों को सेलेक्ट करके ट्रिम कर दीजिए और सेंटर का जो पार्ट है उसका उसे रिमूव कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। उसके बाद एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट ड्रा करके दोनों को सेलेक्ट करके सेंटर करके उसे ट्रिम कर दीजिए। और उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लीजिए और राइट साइड में हटाइए। इसे क्लोज कर दीजिए ताकि स्मार्ट फिल टूल से हम क्लिक करें तो और एक ऑब्जेक्ट बन सके। उसका स्मार्ट फिल टूल लीजिए, जिस तरह से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आप भी उसी तरह से कीजिए। ये हो गया एक सेट। उसके बाद स्मार्ट फिल टूल का जो कलर है उसे चेंज करता हूँ मैं प्रॉपर्टी बार में जाके। इस बार मैं डार्क ग्रीन ले लेता हूँ और जो बचा हुआ है उसके अंदर मैं इससे क्लिक करता हूँ। इन तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद वेल्ड कर दीजिए। उसी तरह इसे भी, इस ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट्स को भी वेल्ड कर दीजिए। एक सर्किल लेके ड्रा कर लीजिए बॉक्स, जिस तरह से जी में रहता है। जो अलग अलग है अभी भी जो पार्ट्स उसे सेलेक्ट करके वेल्ड कर दीजिए। यहाँ पर छूट गया है ग्रीन, उसे भी मैं सेलेक्ट करके वेल्ड कर देता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट ऑल कीजिए, उसका आउटलाइन रिमूव कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल था लेटर जी के लिए। इसमें आप ग्रेडिएशन भी अप्लाई कर सकते हैं।